हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हो सब? अच्छे हो ना? चलो, व्हाट वी लर्न टुडे। आपको पता है आज हम कौन से सब्जेक्ट का सीखने वाले हैं? हिंदी। हिंदी में हमने स्वर कंप्लीट कर दिए ना, अ से अह तक। मैंने आपको काउंटिंग भी करके दिया, दिखाया था ना कितने स्वर थे हमारे, 13। तो चलो, आज हमें क्या करना है? पुनरावर्तन। पुनरावर्तन यानी कि रिविजन। जो स्वर हमने सीखे हैं उसका हमें रिवीजन करना है। तो सबसे पहले अ से अह तक स्वर अक्षर लिखिए। हमें इधर क्या करना है, सर्कल दिए हैं उसमें स्वर अक्षर लिखने हैं। तो लेट स्टार्ट। राइट, स्वर अ से अह। अ से अनार, बाद में क्या आता है, आ से आम, फिर छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईक, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह से नमः। चलो वापस वन टाइम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह से कुछ नहीं। अब देखो नीचे एक्सरसाइज में क्या दिया है, स्वर अक्षर में खाली जगह भरिए। हमें क्या करना है, स्वर की मिसिंग जगह भरनी है। तो चलो, अ से अनार, बाद में क्या आता है, आ से आम, इसे इमली, इसे छोटी से इमली के बाद क्या आता है, बड़ी से ई, उसे उल्लू के बाद क्या आता है, उसे ऊन, ऋषे ऋषि, ऐसे एडी, अब ऐसे एडी के बाद क्या आता है, ऐसे ऐनक, फिर है ओसे ओखली, तो से ओखली के बाद क्या आएगा, औ से औरत, अम से अंगूर, अह से नमः। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हमने हिंदी में पुनरावर्तन कंप्लीट किया है। आपको भी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में पुनरावर्तन पेज नंबर 15 पे कंप्लीट करना है। कैसे करना है, स्पीक एंड राइट।